गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और कार्बन जो हमारा जो है एक क्या है, एक यूनिक मतलब बहुत ही यूनिक एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो कार्बन जनरली हम कार्बन को दो फॉर्म में मिलता है मेरे पास, एक तो कंबाइंड फॉर्म में और एक हमारा एलिमेंट्री फॉर्म में। एलिमेंट्री मतलब कि बेटे जो सिंगल, अगर कार्बन सी की अगर बात करें तो कार्बन जो है सिंगल जगह मिलता है तो वो सिंगल फॉर्म में, तो सिंगल फॉर्म में बेटे उसकी अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी उसके देखेंगे क्या कहलाता है, और कंबाइन फॉर्म में जो मिलता है तो उसे कैसे कैसे है। ठीक है, तो अगर सिंगल फॉर्म की अगर हम बात करें बेटे, तो सिंगल फॉर्म में जो कार्बन जो मिलते हैं हमें वो एक तो डायमंड, ग्रेफाइट और एक हम बकमिंस्टर फ्लोरेंस पढ़ेंगे, तीन टाइप्स के जो कार्बन होते हैं जिसे हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ही भैया। ठीक है, अब कंबाइन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो बेटे कंबाइन फॉर्म की अगर बात करें हम, तो कार्बन जो होता है कंबाइन फॉर्म में मिलता है, मतलब वो किसी के साथ जुड़ के मिलेगा। ठीक है, जैसे पेट्रोल और इट्स प्रोडक्ट पेट्रोल के ही प्रोडक्ट कोल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हम भी जो आते हैं हमारे किस में आते हैं, सारे के सारे कार्बन से ही हम भी बने हैं। ठीक है, अगर अर्थ में हम बात करें तो अर्थ जो क्रस्ट में कार्बन जो कितने परसेंट है, 0.02%, और एयर में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये हमारा 0.03। ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक्स में काम आता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कार्बन जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जनरली हम कार्बन को कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जगह जो है हमारे जितने जो हम सब कुछ जो बना है वो सब कुछ हमारा कार्बन से ही है। ठीक है, कार्बन जो है बिल्कुल जो है एक वेरेस्टाइल नेचर है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। ठीक, सब कुछ कार्बन से ही बनता है। अब बताते हैं हमारी कार्बन की बॉन्डिंग कैसे करता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे करता है। ठीक है, तो एक होता है हमारा आयनिक कंपाउंड और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। बेटे आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, सॉरी आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उसे बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और जो शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जनरली दोनों का उसकी बात करते हैं तो जनरली दोनों अगर बात करें, आयनिक जो होता है हमारा जनरली हार्ड और सॉलिड भी सॉलिड होता है, और ये जो हमारा लिक्विड और सॉलिड दोनों होता है कोवेलेंट कंपाउंड। इसकी अगर बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड जनरली जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है केरोसिन में, और कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट जो जनरली जो होता है हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक में, मतलब अल्कोहल और इसमें इनसॉल्युबल होगा, घुलता नहीं है। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है, इसकी क्या होती है, लो होता है। ठीक है, हीटिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जो है किसमें कंडक्ट करती है, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, लेकिन जो है कोवेलेंट कंपाउंड में हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करती है। ठीक है, आयंस ये फॉर्म नहीं करता, ये हमारा क्या करता है, डज नॉट फॉर्म जनरली। ठीक है, आयंस फॉर्म, और ये हो गया। ठीक है, ये दोनों को हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद तो कार्बन जो है एक यूनिक नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल एलिमेंट, क्योंकि हम नॉन मेटल इसका अगर कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, लास्ट में 4। ठीक है, लास्ट में कितना हो गया, 4। ठीक, तो कार्बन जो होता है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना तो लेता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करो वो किसी को दे दे तो अपने ही सेल में से उतना ज़्यादा एनर्जी निकालने के लिए इसके पास उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि अपने सेल में से अपने वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे देता है कंप्लीट करने के लिए, तो उसके प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में नहीं झेल सकते, नहीं पकड़ के नहीं होल्ड कर पाते, इसलिए जो है न तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को लेता है न तो देता है, ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, इसलिए वो आता है कोवेलेंट। क्या आता है हमारा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जो हमारी क्या करते हैं, जो हम शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब जो वो मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। जनरली जो है हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं बेटे, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें बेटे, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड मैंने आपको क्लास में भी बताया था सिंगल बॉन्ड क्या होता है बेटे, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, ये जो सिंगल ऐसे अगर मैं राइट कर दिया तो सिंगल बॉन्ड हो गया, दो बार ऐसे कर दिया डबल बॉन्ड, और एक तीन बार ऐसे कर दिया तो ये क्या गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा, जैसे हम एच के बारे में, एच की अगर बात करें तो एच और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है,
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एन के बीच में क्या होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करके फिर इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो डॉट स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि कैसे ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे ऐसे यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसके पास है, तो एक एक ने यहाँ पे एक एक की सेलिंग चली। ऐसी ऑक्सीजन की अगर बात करें बेटे, तो ऑक्सीजन की इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे ऑक्सीजन का तो इसके लास्ट सेल में 2 और 6 छः इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने डाल दिया, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो दो की, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इनके बीच में रखेगा, दो इलेक्ट्रॉन दो दो की सेरिंग चलती है तो इसके बीच में, इसलिए डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसी अगर मैं नाइट्रोजन की अगर बात करूँ बेटे, तो नाइट्रोजन की जो लास्ट सेल में रहता है 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 5 6, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में कितना आता है 2 और 5, मतलब 7। इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है। इसके लास्ट सेल में कितना है 5, इसमें भी 5, इसमें 3 लेगा, इससे भी 3 लेगा, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेता है और अपने बीच में क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ऐसे सीएल और सीएल की अगर बात करते हैं, सीएल की अगर बात करें तो लास्ट में 7 रहता है, इसमें भी कितना रहता है, लास्ट में 7 रहता है, ठीक है। तो जब 7 इसे एक दे देगा, क्या करते हैं यहाँ पे, एक एक की सेरिंग चली तो सीएल और सीएल के बीच में कितना होता है, एक एक की बॉन्डिंग हुई तो होगा क्लोरीन, ठीक है, Cl2। ऐसे अगर मैं पानी की अगर बात करूँ, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर जब बनाते हैं, जब भी हम वाटर की, देखो यहाँ पे एच में 1 होता है और ऑक्सीजन में कितना होता है 6 होता है, और एक में इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक इसने दिया, एक एक की सेरिंग चली इन दोनों के बीच में, तो क्या बन गया हमारा, पूरा का पूरा ऑक्सीजन बन गया, मतलब वाटर बन गया। तो ये वाटर जब बन गया ये, तो ये हो गया हमारा, इसकी सेरिंग चली गई, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा होता हमारा वाटर का फॉर्मेशन, ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा इतना सा, ठीक। ऐसे ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड का करना है, और ये बेटे मैंने क्लास में C4 तक मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।